हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग फाइन। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है सिलॉगिज्म। सिलॉगिज्म टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये टॉपिक में मोस्टली स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक को जनरली पढ़ाया जाता है विथ सम शॉर्ट ट्रिक्स, बट उन शॉर्ट ट्रिक्स को याद करते करते इंसान को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको वेन डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट है, यस गाइज, वेन डायग्राम्स का अगर कॉन्सेप्ट है, तो ये टॉपिक्स आप टॉपिक जो है सिलॉगिज्म टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। अगर आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमारी रीजनिंग की प्लेलिस्ट में आप हमारे चैनल पे जा करके वहाँ पे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो पहले आप वेन डायग्राम्स का टॉपिक एक बार ही पढ़ लें, उसके बाद सिलॉगिज्म पे आएँ तो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। एंड सिलॉगिज्म टॉपिक में एक्चुअली होता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ कंक्लूजन्स गिवन होते हैं। तो आपको एज पर द स्टेटमेंट्स चेक करना होता है कि इनमें से गिवन कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है या कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करना है इन योर दिस कॉम्पिटिटिव। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए डायरेक्शंस आपके पास गिवन है। इन ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस अ फ्यू स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन दैट। Consider the statements to be true and answer which of the given conclusions logically follow the statement. क्या कह रहा है कि ये question है, यहाँ पर आपके पास कुछ statements है और कुछ conclusions हैं। कितनी statements है? 3 statements are given और उसी के according conclusions भी given है। तो आपको choose करना है option number 1 से लेके 5 तक क्या option इस given question के लिए correct होगा। So one by one हम statements देखते जाते हैं और उसके corresponding जो है Venn diagrams बनाते जाते हैं। सो यहाँ पे क्या क्या गया है, कहा गया है सम प्लम्स आर पीचेस, फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी पीचेस हैं हमारे पास और प्लम्स है, और कहा क्या है कि कुछ पीचेस जो हैं वो प्लम्स है। लेट्स से दिस इज प्लम्स और ये है आपके पीचेस। व्हाट इज बीइंग सेड हियर इज देयर आर सम प्लम्स विच आर पीचेस। तो सम मतलब ये कॉमन एरिया डिपिक्ट्स द सम पोर्शन। ठीक है, ऑल पीचेज आर एप्पल्स, और जितने भी पीचेज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एप्पल्स हैं। ठीक है, पीचेज सारे के सारे क्या हैं, एप्पल्स, मीन्स एप्पल्स इज द सुपर सेट ऑफ पीचेज। अब सम एप्पल्स आर मैंगोज, और कुछ एप्पल्स जो हैं फर्दर क्या हैं, वो मैंगोज हैं। यहाँ से ये वाला पोर्शन ऑफ एप्पल्स आर वॉट, मैंगोज। ठीक है, तो अब हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स की डायग्राम प्रिपेयर्ड है। अब इसी डायग्राम से हम चेक करेंगे वेदर हमारा कंक्लूजन 1 या 2 में से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, या क्या दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं, या फिर इनमें से कोई भी कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं करता है। सो लेट्स चेक कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 1 क्या कह रहा है, सम मैंगोज आर पीचेस, कुछ मैंगोज जो हैं वो पीचेस हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, मैंगोज और पीचेस का यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट रिलेशन जो है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो कंक्लूजन 1 तो हमारा फॉलो नहीं करेगा। सम एप्पल्स आर पीचेस, तो कुछ एप्पल्स पीचेस हैं, तो डेफिनेटली पीचेस जो है एप्पल्स, कहा गया था कि ऑल द पीचेस आर एप्पल्स, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कुछ एप्पल्स जो है वो पीचेस हैं। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोज एज पर द गिवन स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हैंस व्हाट वी कैन से इज इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट कंक्लूजन 2 follows only. If only conclusion 2 follows, that is option number 2 is the correct answer for this question. I hope आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया, don't worry, हम आगे और questions करेंगे, आपको धीरे धीरे जो है ये topic बहुत अच्छे से समझ आएगा। And अगर Venn diagram बनाने में problem आ रही है, once again I am telling you, आप Venn diagram के topic में जा करके उसको पहले study करें और फिर इस topic पे, यानी syllogism topic पे आए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट 1 इज ऑल ट्रीज आर श्रब्स, देयर आर ट्रीज। ठीक है, अब बोला है कि जितने भी ट्रीज हैं सारे के सारे ट्रीज के हैं श्रब्स हैं, यानी ट्रीज से बड़ा सेट क्या हो गया, श्रब्स। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है नो श्रब इज अ सैपलिंग, और जो भी श्रब है वो सैपलिंग नहीं है। नो रिलेशन हम कैसे बताते हैं, नो रिलेशन हम बताते हैं विद
क्रॉस, यानी सैपलिंग और श्रब्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ऑल सैपलिंग्स आर ग्रास, और सारे के सारे सैपलिंग क्या है, वो ग्रास है। तो ग्रास आ गया इसके बाहर, क्योंकि सारे के सारे सैपलिंग ग्रास हैं, इट मीन्स ग्रास जो है इसका सुपर सेट होगा, यानी सैपलिंग से बड़ा सेट होगा जिसमें सारे के सारे सैपलिंग आ रहे हैं। ठीक, तो अब चेक करते हैं कंक्लूजन्स, क्योंकि स्टेटमेंट्स रेडी हैं, अब कंक्लूजन्स को चेक करेंगे बारी बारी एंड बताएंगे कौन सा कंक्लूजन फॉलो करते हैं कौन सा नहीं करता है। तो कंक्लूजन वन से, नो ट्री इज अ ग्रास, कोई भी ट्री जो है वो ग्रास नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ट्री ग्रास नहीं है, ऐसा हमें कहीं पे भी डायरेक्टली नहीं बोला गया है। तो व्हाट वी कैन से इज दिस कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, हमें डायरेक्टली रिलेशन नहीं बताया गया है। अगर हम ग्रास के जो है, क्योंकि ग्रास सैपलिंग का सुपरसेट है, अगर हम ग्रास के सर्कल को और बड़ा कर दें तो हो सकता है वो ट्रीज के सर्कल को भी कट कर सके। तो दैट मीन्स हम क्या कहेंगे यहाँ पे, नो ट्री इज अ ग्रास, ये वाला कंक्लूजन जो है हम टोटली कम्प्लीटली फॉलो नहीं करा पा रहे हैं इस डायग्राम में। सो दैट्स वाई वॉट वी कैन से इज ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कंक्लूजन वन डज नॉट फॉलो। ठीक है, अब कंक्लूजन टू देखते हैं। सम सैपलिंग्स बीइंग ट्रीज इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सैपलिंग्स ट्रीज हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन है ट्री जो है वो सारे के सारे श्रब्स हैं, और कोई भी श्रब जो है वो सैपलिंग नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स कुछ सैपलिंग जो हैं वो ट्रीज होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट्स वाई कंक्लूजन टू इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो हेंस हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शंस में से, इफ नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन थ्री सेज सम ग्रीन इज रेड, ठीक है, देर आर ग्रीन एंड देर आर रेड, बट कुछ पोर्शन ऑफ ग्रीन जो है दैट इज रेड। ग्रीन को मैं सिंपल जी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, रेड को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, सम रेड इज ब्लू, और रेड का कुछ पोर्शन क्या है, दैट इज ब्लू। रेड का कुछ पोर्शन इज ब्लू, दिस शेडेड पोर्शन। ऑल ब्लू इज येलो, और जितना भी ब्लू है वो सारा का सारा क्या है, वो येलो है। वाई फॉर येलो। अब कंक्लूजन क्या बोलते हैं, सम येलो इज ग्रीन, कुछ येलो जो है वो ग्रीन है। तो क्या येलो और ग्रीन का यहाँ पे कोई रिलेशन दिख रहा है, तो देर इज नो रिलेशन दैट इज बिंग डिफाइंड। अब सम येलो इज रेड, कुछ येलो जो है वो रेड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पोर्शन ऑफ येलो जो है वो रेड दिख रहा है। सो हम कह सकते हैं ओनली द कंक्लूजन टू फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर टू फॉलोज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में है सम मनी इज कैश, कुछ मनी इज कैश। ठीक है, एम फॉर मनी, सी फॉर कैश, कुछ पोर्शन ऑफ मनी जो है वो, दिस कॉमन पोर्शन, स्मॉल पोर्शन इज कैश। सम कैश आर ड्राफ्ट, और कैश का भी कुछ पोर्शन क्या है, वो ड्राफ्ट है। ओके, ऑल ड्राफ्ट आर बिल, और जितने भी सारे ड्राफ्ट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बिल हैं। ठीक है, बी फॉर बिल। अब कंक्लूजन चेक कर लेते हैं कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। सम मनी आर ड्राफ्ट, कुछ मनी जो है वो ड्राफ्ट है। तो मनी और ड्राफ्ट का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, डिफॉल्ट ड्राफ्ट हमने यहाँ पे लिखा है और मनी इससे काफ़ी दूर है। तो दैट मीन्स कंक्लूजन वन फॉलो नहीं होगा। सम मनी इज बिल, तो कुछ मनी जो है वो बिल है, तो बिल और मनी के बीच में भी कोई भी रिलेशन नहीं है। तो दैट मीन्स कंक्लूजन वन, कंक्लूजन टू में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। हेंस इस क्वेश्चन का आंसर विल बी that if neither conclusion one nor conclusion two follows, ठीक है, option number four, if neither conclusion one nor conclusion two follows will be the correct answer. Let's see question number five. All books are diary, ठीक है, जितनी भी books हैं, let's say these are books, और ये सारी की सारी क्या है, diary है। ठीक, सम डायरीज आर नोटबुक्स, और कुछ डायरीज जो है वो क्या है, वो नोटबुक्स। गिवन है आपको,
ऑल नोटबुक्स आर नोट पैड्स, और जितनी भी सारी नोटबुक्स हैं वो क्या है, नोट पैड्स है. एन फॉर नोटबुक और एन पी फॉर नोट पैड्स मैंने लिख लिया. ठीक, अब कंक्लूजन चेक करते हैं. सम नोट पैड्स आर डायरी, कुछ नोट पैड जो है वो डायरी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नोट पैड्स का जो है दैट इज डायरी. सो दैट मीन्स कंक्लूजन वन फॉलोज. सम नोट पैड्स आर बुक्स, और कुछ नोट पैड जो है वो बुक्स हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें इस क्वेश्चन से नहीं पता चल रहा है कि कुछ नोट पैड जो है वो बुक्स हैं, सो दैट्स वाई कंक्लूजन टू डज नॉट फॉलो. ठीक, तो हैंस वॉट वी कैन से इज ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा क्योंकि अभी प्रैक्टिस हो रही है आपकी. आगे क्वेश्चन देख लेंगे. सम गोल्ड आर प्लैटिनम, लेट्स से यहाँ पे गोल्ड का हम एक सर्कल बना लेते हैं और प्लैटिनम का, और कहा गया कि कुछ पोर्शन ऑफ गोल्ड जो है दैट इज प्लैटिनम. देन सम प्लैटिनम आर सिल्वर, और प्लैटिनम का भी कुछ पोर्शन क्या है वो दैट इज सिल्वर. सम सिल्वर और जिंक, और जो सिल्वर है उसका भी कुछ पोर्शन आगे क्या है, जिंक है. सो दिस इज द फाइनल डायग्राम, वेन डायग्राम. कंक्लूजन चेक कर लेते हैं इससे. कंक्लूजन वन इज सम गोल्ड और सिल्वर, क्या गोल्ड और सिल्वर का कोई रिलेशन है, तो बिल्कुल भी नहीं. ये दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट है, मीन्स आपस में एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते हैं, सो दैट मीन्स कंक्लूजन वन डज नॉट फॉलो. सम जिंक और प्लैटिनम, कुछ जिंक प्लैटिनम है, ऐसा कहीं पे दिख रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है क्योंकि जिंक और प्लैटिनम आपस में काफ़ी दूर दूर हैं. सो वॉट वी कैन से दैट इफ नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज फॉर द गिवन क्वेश्चन. चले आगे क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है आपके पास, ओनली अ फ्यू रिवर्स आर लेक्स. ठीक है, लेट्स से हमारे पास, हम रिवर बनाते हैं, आर फॉर रिवर्स. ठीक है, और कुछ ही रिवर्स जो हैं वो लेक्स हैं. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे लेक्स बना लेते हैं. अब क्या कह रहा है कि ऑल रिवर्स आर ओशन, और जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी की सारी क्या है, ओशन है. ठीक है, एंड ऑल ओशंस आर स्ट्रीम, और जितनी भी सारी ओशन है वो सारी क्या है, स्ट्रीम्स भी हैं. ठीक, तो ये बन गया हमारा फाइनल डायग्राम. अब कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल स्ट्रीम बीइंग लेक्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारी स्ट्रीम लेक होंगी ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल भी नहीं. ऐसा हमें कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि सारी की सारी स्ट्रीम जो है वो लेक्स बन सकती हैं इन फ्यूचर, क्योंकि डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि लेक का कुछ पोर्शन डिफाइंड है जो रिवर है, बाकी लेक का कितना डायमीटर है वेन डायग्राम में, कितना बड़ा सेट लेक्स है, तो दैट इज़ नॉट डिफाइंड. सो हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि लेक्स जो है वो स्ट्रीम हो सकती हैं क्या. अब नेक्स्ट कंक्लूजन है, एटलीस्ट सम ओशन आर रिवर्स, और कुछ थोड़ी बहुत ओशन जो है वो रिवर्स हैं, तो क्या ऐसा है, तो दैट मीन्स कुछ पोर्शन ऑफ ओशन इज रिवर्स, तो डेफिनेटली ओशन का कुछ पोर्शन जो है वो रिवर है, तो दैट मीन्स वी कैन से दैट इफ कंक्लूजन टू फॉलोज ओनली. ठीक है, कंक्लूजन टू यहाँ से हमारा जो है वो फॉलो कर रहा है, सो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट वन है आपके पास, ओनली बिस्किट्स आर चॉकलेट. ठीक है, ओनली बिस्किट्स आर चॉकलेट मीन्स सारे के सारे चॉकलेट. ओनली बिस्किट आर चॉकलेट का मतलब क्या है कि सारे के सारे चॉकलेट जो है वो बिस्किट से बने हुए हैं. ठीक है, तो चॉकलेट हम सेंटर में लिख लेंगे, सी फॉर चॉकलेट, एंड इसका सुपर सेट क्या आ जाएगा, बिस्किट्स. ओनली फ्यू बिस्किट्स आर स्नैक्स, और बिस्किट्स का थोड़ा सा पोर्शन क्या है, स्नैक्स है. ऑल स्नैक्स आर बेवरेजेस, और सारे के सारे स्नैक्स क्या हैं, ऑल द स्नैक्स आर बेवरेजेस. ठीक है, आप कंक्लूजन चेक कर लेते हैं. सम बिस्किट्स आर नॉट स्नैक्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बिस्किट्स जो हैं वो स्नैक्स नहीं हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो यहाँ पे दिस इज़ अ फैक्ट,
क्योंकि कुछ बिस्किट्स जो हैं वो स्नैक्स हैं, यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो ये स्टैंडर्ड है कि ये गिवन है कि ये बिस्किट्स का कुछ पोर्शन स्नैक्स है, तो मीन्स हम उसको पॉसिबिलिटी नहीं कहेंगे। सो दैट्स वेज वी कैन से दैट कंक्लूजन वन डज नॉट फॉलो। अब सेकेंड कंक्लूजन क्या कहता है, सम चॉकलेट्स आर स्नैक्स इज अ पॉसिबिलिटी, और कुछ चॉकलेट जो है वो स्नैक्स हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो कुछ चॉकलेट स्नैक्स हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब हम हमारे चॉकलेट्स को क्या करें, इस पोर्शन में यानी यहाँ पे चॉकलेट का सर्कल ड्रॉ कर दें। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि हमें क्या क्या कि सारे के सारे चॉकलेट हैं वो बिस्किट हैं, यानी ओनली बिस्किट्स आर चॉकलेट, ठीक है। तो सम चॉकलेट्स आर स्नैक्स ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है एज पर द गिवन डायग्राम। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि बिस्किट्स जो हैं वो उनका कुछ पोर्शन क्या है, स्नैक्स भी है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ चॉकलेट जो हैं वो स्नैक्स हो जाए। तो दैट्स वाई वॉट वी कैन से इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। आई होप आपको ये समझ आएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था बट वॉज वेरी ईजी, आपको भी ईजी लगा होगा आई थिंक। अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर अच्छा लग रहा है तो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सम मोबाइल्स आर टेलीफोन, कुछ मोबाइल्स जो है वो क्या है, टेलीफोन है, ठीक है। लेट्स से दीज आर मोबाइल एंड दीज आर टेलीफोन। सम मोबाइल्स आर टेलीफोन, नो कॉर्डलेस इज मोबाइल, और कोई भी कॉर्डलेस जो है वो मोबाइल नहीं हो सकता है। नो का रिलेशन कैसे, क्रॉस के साथ शो करते हैं और दूर बनाते हैं उसका डायग्राम। सम टैबलेट्स आर मोबाइल्स, और कुछ टैबलेट्स जो हैं वो क्या है, मोबाइल है, ठीक है। कुछ पोर्शन मोबाइल का क्या है, टैबलेट्स। ओके, तो लेट्स चेक द कंक्लूजन्स। नो मोबाइल इज कॉर्डलेस, कोई भी मोबाइल जो है वो कॉर्डलेस नहीं है, ठीक है। कोई भी मोबाइल कॉर्डलेस नहीं, तो डेफिनेटली ये हमें गिवन है, कोई भी कॉर्डलेस मोबाइल नहीं है, कोई भी मोबाइल कॉर्डलेस नहीं है, सो दैट इज गिवन। अब नेक्स्ट आता है, ऑल टेलीफोन बीइंग टैबलेट्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे टेलीफोन जो हैं वो टैबलेट्स हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कहा गया है कि कुछ पोर्शन ऑफ मोबाइल जो है वो टैबलेट है, और कुछ पोर्शन ऑफ टैबलेट जो है वो कुछ पोर्शन ऑफ मोबाइल जो है वो टेलीफोन्स है, और कुछ पोर्शन ऑफ मोबाइल जो है वो टैबलेट्स है। तो सारे टेलीफोन बीइंग टैबलेट ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ मोबाइल जो है वो टेलीफोन्स भी हैं, ठीक है। सो दैट वेज ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे फॉलो करता है। ओके, सो दैट मीन्स हमारा कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 बोथ फॉलोस। आई वॉन्ट टू रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हुआ हो इसमें, सो लेट्स रिपीट इट अगेन। यहाँ पे क्या है, सम मोबाइल्स आर टेलीफोन, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल्स हैं और यहाँ पे टेलीफोन्स हैं, मोबाइल्स का कुछ पोर्शन जो है वो टेलीफोन है, ठीक है। और कोई भी मोबाइल जो है, नो कॉर्डलेस इज अ मोबाइल, ठीक है, कोई भी कॉर्डलेस जो है वो मोबाइल नहीं है। तो सम टैबलेट्स आर मोबाइल्स, और कुछ टैबलेट्स जो है वो मोबाइल्स हैं, ठीक। अब कंक्लूजन क्या बोलता है, नो मोबाइल इज कॉर्डलेस, कोई भी मोबाइल जो है वो कॉर्डलेस नहीं है, तो डेफिनेटली ये रिलेशन गिवन है, दैट मीन्स कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। ऑल टेलीफोन्स बीइंग टैबलेट्स इज अ पॉसिबिलिटी, और सारे के सारे टेलीफोन जो है वो टैबलेट्स हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि उसने क्या कहा है कि कुछ पोर्शन ऑफ मोबाइल जो है वो टैबलेट है, और कुछ पोर्शन ऑफ मोबाइल जो है वो टेलीफोन है, तो कुछ पोर्शन वो यहाँ पे भी हो सकता है एज पर दिस सर्कल, ठीक है। तो दैट मीन्स वॉट वी कैन से इज टेलीफोन जो है वो सारे के सारे टैबलेट्स हैं, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि पॉसिबल केस की बात कर रहा है, डेफिनेट केस की बात नहीं कर रहा। सो दैट वेज वी कैन से दैट बोथ कंक्लूजन 1 and 2 विल फॉलो फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
सम जीमेल इज याहू, ठीक है, सम पोर्शन ऑफ जीमेल जो है दैट इज याहू, जीमेल एंड याहू. नो याहू इज एन इंस्टाग्राम, और याहू और इंस्टाग्राम का क्या रिलेशन है, नो रिलेशन, ठीक है, इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है. ऑल इंस्टाग्राम इज ट्विटर, और सारा का सारा इंस्टाग्राम क्या है, दैट इज ट्विटर, ठीक है. अब कंक्लूजन्स क्या कहते हैं, सम ट्विटर बीइंग जीमेल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ट्विटर जीमेल हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है. तो बिल्कुल भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या बोल रहा है, सम ट्विटर बीइंग जीमेल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ट्विटर जो है वो जीमेल हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? तो बिल्कुल हो सकती है, अगर हमारा ट्विटर का सर्कल इस तरह से एक्सपैंड हो जाए, ठीक है, तो कुछ ट्विटर जो है वो जीमेल हो सकता है अगर हम बनाना चाहें तो. सम याहू कैन नेवर बी इंस्टाग्राम, और कुछ पोर्शन ऑफ याहू जो है वो इंस्टाग्राम नहीं हो सकता. तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमें बताया गया कि याहू और इंस्टाग्राम का देयर इज नो रिलेशन, ठीक है. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है हमारी, दीज बोथ स्टेटमेंट्स फॉलो एज पर द कंक्लूजन्स, ठीक है. जो भी स्टेटमेंट्स गिवन है वो उनसे कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहा है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, दैट इज इफ कंक्लूजन 1 and 2 बोथ फॉलो. नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे. आज के लिए हमारा वीडियो हम इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट वीडियो हम हमारी विद इन डेज आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसमें हमारी अभी तक हम थ्री स्टेटमेंट्स एंड टू कंक्लूजन्स की टर्म में बात कर रहे थे. अब हमारी थ्री स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन का नंबर हम बढ़ा के बात कर रहे हैं, एंड वी विल एक्सप्लेन दोज प्रॉब्लम्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो. तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. And thank you. That's all for today, and have a nice day.